सद्गुरु श्री ब्रह्मा चैतन्य महाराज गोंदौलेकर, इनका प्रवचन 20 जनवरी। जहां नाम वही राम। नाम के सिवाय जहां हमारा विश्वास है, वहां वह अविश्वास का ही कारण है, ऐसा मानो। जो नाम के सिवाय और बातों को सत्य मानता है, वो भगवान के पास जाना तो संभव नहीं, बल्कि भगवान से दूर जाता है। उसे भगवान की समीपता संभव नहीं। जो इस विश्व को नाम के बिना मानता है, उसका तो हमें स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। जहां नामस्मरण की मस्ती होती है, वहां प्रभु राम की बस्ती होती है। नामस्मरण के सिवाय जो जो हमें सुखदायक लगता है, ध्यान में रखो, दुखदायक होता है। जो अपने हृदय में भगवान राम को नहीं रख पाते, वे तो मंदिर मंडप का ढोंग करते हैं। प्रभु राम को अपना कर लो और जन्म मृत्यु का फंदा हमेशा के लिए तोड़ दो। प्रभु राम के सिवाय कोई देने वाला नहीं है, वही एकमात्र दाता है। नाम के ज्ञान से गृहस्थी में सबको समाधान मिलता है। जो जो बात घटेगी, वो यदि हम प्रभु को समर्पित कर देंगे तो हमें सुख शांति मिलेगी। मोह, ममता, देह का अभिमान, ये सब संसार के फंदे हैं। उसमें मन को अटकने नहीं देना चाहिए, देह को अकारण पीड़ा नहीं देनी चाहिए, अनुसंधान यानी भगवान के निरंतर स्मरण में बाधा नहीं चाहिए। हमारे मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि नाम स्मरण से ही संतोष है। मैं आपसे एक दान मांगता हूं, आप सब मुझे वो दान दें। ध्यान में रखें कि नाम स्मरण के सिवाय अन्य किसी बात में सुख नहीं है, और अपने आप को प्रभु राम के चरणों में अर्पित कर दो। इस दान के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, यही भीख मैं मांग रहा हूं। व्यवहार, कीर्ति, विषयों में रुचि, ये परमार्थ में बाधा डालने वाली चीजें हैं। इन सब बातों को हटा दो और नाम स्मरण में लीन हो जाओ। राम को हृदय में विराजमान करना ही सही आधार है। सिवाय इसके जग में कोई बात सत्य नहीं है। जब तक हमारा देह के साथ संबंध है, तब तक ही हमें लौकिक बातों में रुचि होती है। यदि शरीर नष्ट हो गया, मतलब मृत्यु हुई, तो लौकिक बातों का हमसे क्या वास्ता होगा? क्या हमारे साथ ये लौकिक बातें आएंगी? इसलिए इन लौकिक बातों में रुचि नहीं रखना चाहिए, और इसके कारण भगवान के प्रति जो लगन है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। गृहस्थी के अल्प और मामूली सुख के लिए प्रभु का विस्मरण नहीं होना चाहिए। चारों वेद, छहों शास्त्र और स्मृतियों का पारायण भी किया, तो भी जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक संतोष कैसे होगा? सभी शास्त्रों का सार यही है कि प्रभु रामचंद्र का नित्य भजन करना चाहिए। यदि हमारा मन नामस्मरण में एकाग्र हो जाएगा, तो संतोष प्राप्त होगा। नामस्मरण में लगन लग जानी चाहिए। गृहस्थी के प्रति उदास नहीं होना चाहिए। ये सब सधेगा जब भगवान के प्रति अनुसंधान होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अभी कुछ करना बच गया है। सभी सत्कर्मों की चरम सीमा तभी होगी जब हम अपने को भगवान को समर्पित कर देंगे। राम के प्रति हमारा मन लीन हो जाना चाहिए। रात दिन उसी का चिंतन हो। यदि हम शरीर के द्वारा राम की सेवा नहीं कर पाए, तो मन उसे समर्पित कर दो, कल्याण हो जाएगा। प्रभु कृपा से संतोष प्राप्त होगा। ये भक्ति का सर्वोत्तम लक्षण है। यदि गुरु के द्वारा नाम का अनुग्रह हुआ होगा, तो विश्वास रखो कि वो विश्व को पावन करेगा। प्रभु कृपा भी होगी। देह स्थिति जैसी आज है, वैसी कायम नहीं होगी। प्रभु रामचंद्र जी, आप ही के लिए मैं बचा हूं, यही भाव रखना चाहिए। जब तक संभव है, तब तक प्रभु रामचंद्र का स्मरण करना चाहिए। प्रभु चरणों में अपना मन विलीन कर देना चाहिए। इतना भी कर दिया तो बहुत है, अन्य तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं है।
जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।